हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TMIS होम बेस एजुकेशन। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डिवीजन। तो बेटा, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारी जो मूवी चल रही थी डिवीजन नाम की, उसका क्लाइमेक्स है। ठीक है बात। तो अभी लास्ट 2 या 3 वीडियोस आएंगे, उसके बाद डिवीजन चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अपनी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज नंबर 7 है, अपनी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 7 है उसका क्वेश्चन नंबर है 2। आज मैं वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक, उसमें क्वेश्चन नंबर ए है, 9 रेडियो सेट्स वेर परचेस्ड फॉर ₹3,645। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट। तो बेटा, 9 रेडियो सेट है ना, देखो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ता है, द कॉस्ट ऑफ 9 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू ₹3,645। तो बेटा, अगर हमें एक रेडियो सेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? 3645 डिवाइडेड बाय 9। तो सिंपल सा डिवीजन है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ओनली डिवीजन ही करना है। देखो कहाँ से करें, आप लोगों को मालूम है, डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 9 1 9 9 2, देखो यहाँ पे 3 is less than 9, देन वी हैव टू टेक बोथ नंबर टूगेदर। ये दोनों नंबर को साथ में लेना पड़ेगा, दोनों नंबर को साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। किस से डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो बेटा, 9 1 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 36, 36 minus 36 is equal to 0. Now bring down this 4. Then it will be forms 4. ये कौन सा नंबर है? 4 ही है। तो बेटा, हमको मालूम है 9 multiplied by 0 is equal to 0. 9 multiplied by 1 is equal to 9. 9 is greater than 4. Then we have to divide from the 9 multiplied by 0. 9 multiplied by 0 is equal to 0. 4 minus 0 is equal to 4. Again, bring down this 5. Then number will be 45. 45 divided by 9. 9 5s are 45. 5 minus 5 is equal to 0. 4 minus 4 is equal to 0. तो बेटा, ये हमारा जो quotient है ना, quotient वही हमारा answer होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Thus the cost of the 1 radio set is ₹405। एक रेडियो सेट है, उसकी कीमत कितनी है मेरे बेटे? 405 है। ठीक है, तो अगर आप 405 मल्टीप्लाई बाय 9 जो करोगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आपको 9 रेडियो की कॉस्ट है वो मालूम पड़ जाएगी, और वो क्या होगी? 3645। ठीक है। तो बेटा, सिंपल सा डिवीजन का सम है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन रूल लगाओ तो आसानी से हो जाएगा। बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टाइम्स 6 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 6975। व्हाट इज द रिमाइंडर? तो बेटा, सब्ट्रैक्ट कितनी बार कर सकते हैं 6 को, वो पूछा है। तो हमने चैप्टर का स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, व्हाट इज द डिवीजन? द डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। तो बेटा, कुछ भी मत करो, कुछ सोचो भी मत, 6975 को डिवाइड कर दो 6 से। डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 वन द 6, 6 minus 6 is equal to 0, bring down this 9, 6 ones are 6, again 9 minus 6 is equal to 3, now bring down this 7, the number forms 37, ये 37 हो गया ना, तो 6 के टेबल में आप 6 5s are 30 करोगे, 6 6s are 36 करोगे, 6 7s are 42 करोगे। ठीक है, तो बेटा 6 6s are कितना होता है? 6 6s are 36, 37 minus 36 is equal to 1. Now bring down this 5.
इट विल बिकम 15। ये नंबर क्या हो गया, 15 हो गया ना। तो बेटा 6 के टेबल, 6 का टेबल बोलो, तो 6 टू जा 12 और 6 थ्री जा 18। तो हम कहाँ से करेंगे, डिवाइड 15 डिवाइडेड बाई 6 करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18 एंड 18 इज ग्रेटर देन 15, देन वी हैव टू डिवाइड फ्रॉम दी 6 टू जा 12। 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। Thus, 6 can be subtracted from 6975. 6 can be subtracted from the आगे लिख देते हैं 1162 times. Thus, 1162 times 6 can be subtracted from the 6975. ठीक है, तो बेटा ये हमारा आंसर है। एंड और यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द रिमाइंडर, एंड द रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है, तो ऐसे करना है, कुछ भी नहीं है, डिवीजन है, और जो लास्ट में पूछा है वो हमें आंसर में लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वो हमारा क्या है, आंसर है। और आंसर क्या है बेटे, 1162 टाइम्स 6 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 9975। ओके, तो कुछ भी नहीं बेटा, सिंपल सा डिवीजन है। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो क्वेश्चन नंबर सी है, द कॉस्ट ऑफ 4 टीवी सेट्स इज रुपीज 9656। कॉस्ट ऑफ 4 टीवी सेट्स, 4 टीवी सेट्स है उसका कॉस्ट हमें दिया है, वो कितना है 9656। ओके, तो हमें कितने टीवी सेट्स का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच सेट्स, मतलब एक टीवी सेट का, हर एक टीवी सेट का कॉस्ट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है बात, तो बेटा हम क्या करेंगे, 9656 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल सा डिवीजन है, वो आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, ट्राई इट योर सेल्फ। तो मैंने ये सारा यहाँ पे सेट कर दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे रेडियो सेट था, यहाँ पे क्या चीज है, टीवी सेट, क्या है बेटा, टीवी सेट से, और कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, चलो, अ कार ट्रेवल्स 546 किलोमीटर इन 6 आवर्स, बेटा 6 घंटे में, 6 आवर्स में 546 किमी है वो ड्राइव करता है। ठीक है, तो बेटा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर। देखो आप एक चीज नोट करोगे, तो डिवीजन में क्या है, मल्टीपल थिंग्स है उसकी वैल्यू दी है, और हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ 1 थिंग को। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 आवर्स की वैल्यू दी है, कितने किमी ट्रेवल करता है वो दिया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का फाइंड आउट करना है। तो बेटा जब मल्टीपल थिंग्स में से इच थिंग्स, मतलब कि 1 थिंग्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, तो क्या लगाओगे, डिवीजन लगाओगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे क्या है, ए कार ट्रेवल्स 546 किमी इन 6 आवर्स। ठीक है, तो बेटा 1 आवर में कितना ड्राइव करेगी कार, कितना ट्रैवल करेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 546 डिवाइडेड बाय 6, डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वी कांट डिवाइड 5 फ्रॉम द 6 बिकॉज 5 इज लेस देन 6। तो बेटा 6 का टेबल बोलो, और ये दोनों नंबर को साथ में डिवाइड करो, 54 को साथ में डिवाइड करो, 6 5 13, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54,
देखो 6 9 54, 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0. नाउ ब्रिंग डाउन दिस 6 एंड 6 1 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. देन 91 किमी, देन द कार कैन ट्रैवल 91 किमी इन 1 आवर. 1 आवर ठीक है, आवर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, 1 आवर. ओके, आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वर्ड प्रॉब्लम है वो कैसे से सोल्व करना है, किस तरह से वो सोल्व होते हैं. जब मल्टीपल थिंग की वैल्यू दी हो और सिर्फ वन थिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तब हम क्या करेंगे बेटा, डिवीजन करेंगे. क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, और कुछ भी नहीं है. ओके, तो बेटा ये जो 4 questions है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 में, एक्सरसाइज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD क्वेश्चन है, वो आपको अपनी फेयर कॉपी बुक में लिख लेने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दी एक्सरसाइज नंबर 7. ओके, उसमें कौन से क्वेश्चन, ABCD, ये चारों क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी बुक में लिख लो. ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन जय हिंद.